नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम खेल ग्रहों का। मैं जो हमारे सब्सक्राइबर मेंबर हैं उनको मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जो पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनका विशेष तौर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्योतिष बहुत गहन विषय है, ज्योतिष विश्लेषण का विषय है, ज्योतिष जिज्ञासा का विषय है, और ज्योतिष छुपे हुए जो खजाना है उसमें से मोती ढूंढ लेने का, या ये बोल सकते हैं कि सागर में से मोती ढूंढ लाने जैसा विषय है। हर व्यक्ति का जन्म होता है, उसका विकास होता है और फिर उसका लय हो जाता है। अतः समाज में, हमारे जीवन में, हमारी नेचर में ये तीन प्रकृतियां विशेष रूप से चलती है। कोई भी चीज़ जन्म लेती है, उसका विकास हो जाता है और फिर उसका नाश हो जाता है, लय हो जाता है। जिस प्रकार से एक बच्चा जन्म लेता है, उसका विकास होता है, उसकी जन्म कुंडली होती है, उसका भाग्य होता है, उसकी किस्मत होती है, उसके कर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक देश का भविष्य, एक देश का कर्म, एक देश की किस्मत भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे हमको स्वतंत्रता मिली या हमारा देश का जन्म हुआ। हमारा विषय ये जानने का है इस बार या इस एपिसोड में कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी स्थिति के संदर्भ में भारत का क्या भविष्य होने वाला है, या इस समय क्या घटनाचक्र होने वाले हैं। भारत की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। एक बात विशेष है इस कुंडली में कि पराक्रम भाव में, अर्थात जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में 5 ग्रह एक साथ में है, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य। ये 5ों ग्रह एक साथ में है, और जब 5 ग्रह एक साथ में है तब विशेष रूप से कुछ योगों का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट साइंस की तरह ये ग्रह भी अपना काम करते हैं। चंद्रमा और शनि जब भी साथ में होंगे तब क्या होगा, विष योग का निर्माण होता है। सूर्य और बुध साथ में होंगे तब क्या होगा, बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। बुध और शुक्र साथ में होगा तब भी माँ भाग्य योग का निर्माण हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में इस समय क्या परिस्थितियां बन रही है, 6 अप्रैल 2019 को नया संवत्सर आरंभ हो जाएगा, अर्थात नया वर्ष आरंभ हो जाएगा, हिंदू नववर्ष, जिस दिन हम पंचांग का पूजन करते हैं, जिस दिन हम अपने घर में जो कुछ भी चैत्री नवरात्रि की स्थापना करते हैं उस दिन से नया वर्ष आरंभ हो जाता है। और उस वर्ष आरंभ होने के कुछ दिन बाद ही 11 अप्रैल 2019 से लोकसभा चुनाव का गतिक्रम आरंभ हो जाएगा। 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं और 11 अप्रैल से आरंभ हो जाएगा और 15 मई 2019 तक निरंतर चुनाव चलेंगे। 10 सितंबर 2015 से स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा का प्रवेश होता है, चंद्रमा की दशा आरंभ होती है। चंद्रमा जन्म कुंडली में थर्ड हाउस का अधिपति है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है और उस भाउस में ही, उस भाव में ही विराजमान है। आपको ध्यान होगा या मैं आपको याद दिला दूं कि जन्म कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम का है, बाहुबल का है, आपकी स्ट्रेंथ का है, गुडविल का है, लेकिन साथ में मारक भी है, क्योंकि अष्टम भाव से वापस अष्टम गिनेंगे तब थर्ड हाउस ही आएगा। और चंद्रमा जैसा ग्रह जो थर्ड हाउस में बैठ करके एक प्रकार से आपके पराक्रम को चुनौती देने का काम करता है, आपके बाहुबल पर बार बार आक्रमण करता है, आपकी गुडविल को बार बार चैलेंज करने का काम करता है, और जनता ऐसी स्थिति में खुद अपने आप को परेशान, खुद अपने आप को संघर्ष में महसूस करती है। 10 सितंबर 2015 को चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई है, 10 वर्ष तक चलेगी, अर्थात 2025 तक चलेगी। अब चंद्रमा में बृहस्पति की अंतर्दशा 10 अगस्त 2018 को आरंभ होती है। बृहस्पति अष्टम भाव का अधिपति है, तो अष्टम भाव को भी मारक कहा जाता है, अनहोनी के संदर्भ में अष्टम भाव ही देखा जाता है। अकस्मात जो भी दुर्घटनाएं होती है वह अष्टम भाव से देखी जाती है, और बृहस्पति धर्म का अधिपति भी है, बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड भी है, और बृहस्पति आपकी फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक चंद्रमा की दशा चल रही है जिसको मारक कहा जाता है, दूसरा उसके साथ देने वाला ग्रह अष्टम भाव का अधिपति वो भी मारक है। ऐसी स्थिति में जो समय आरंभ होता है वह समय वास्तव में चिंताजनक है, और ऐसे ही समय में इसी अंतर्दशा के क्रम में लोकसभा चुनाव होने हैं।
पांच वर्ष के बाद लोकतंत्र का मेला, लोकतंत्र का महोत्सव, लोकतंत्र का फेस्टिवल, जिसे चुनाव कहा जाता है। लोकतंत्र की महिमा यही है कि आप जिस लोकतंत्र में रहते हैं उसमें आपको अपना नेता चुनने का अधिकार मिले, और ये विश्व में एक भारतवर्ष एक महान लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जहाँ पर कि कोई भी सैनिक शासन कभी नहीं लागू हुआ है, यहाँ पे निरंतर चुनाव हुए हैं। इमरजेंसी का दाग हमको एक बार जरूर झेलना पड़ा है, वो किन परिस्थितियों में हुआ उन परिस्थितियों को हम इस समय लेखा जोखा नहीं कर रहे हैं, लेकिन निरंतर हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमको अधिकार है वोट देने का, और हमारे वोट से ही सरकार चुनी जाती है। और जब वोट की बात आई है तो मैं आपको याद दिला दूं कि वोट देना आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य भी है। यदि आपने वोट नहीं दिया तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में है अपना नेता चुनना। यदि आप ही उदासीन हैं तो क्या होगा, आपने अपने हाथों से अपने अधिकार खो दिया है। इसलिए आपका कर्तव्य है इस बार वोट जरूर दें, और यदि आपकी संतान इस योग्य हो चुकी है, 18 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है, तो उनको वोट दिलाने जरूर ले जाएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो भी इसके इस देश के निर्माण में भागीदार हैं, वो भी अपना अधिकार जतला रहे, उनका भी कर्तव्य उनको याद दिलाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं जो भी युवा हैं जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप इस योग्य हो चुके हैं कि आप अपने हाथों से अपने बुद्धि से वोट दे करके इस बार की सत्ता को, इस बार के शासन को, इस बार की सरकार को चुनने का प्रतिनिधित्व दायित्व निभाने जा रहे हैं। 2019 में 5 ग्रहण होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी 2019 में है, 5 ग्रहण भी 2019 में है। उनमें से 2 सूर्य ग्रहण है, 3 चंद्र ग्रहण है। जब जब भी ग्रहण होता है तब 15 दिन से 45 दिन के बीच में कुछ विशेष घटना चक्र जरूर होता है। तो आप खुद देख लीजिए कि आप इस वर्ष 2 ग्रहण देख चुके हैं, और 30 दिसंबर 2018 से 9 मार्च 2019 तक चंद्रमा में बृहस्पति और बृहस्पति में बुध का प्रत्यंतर आप देख चुके हैं। बहुत कुछ घटना चक्र इस टाइम पीरियड में हुआ है, चाहे वो देश में उथल पुथल का माहौल हो, चाहे सीमा पर संकट की बात करें, सीमा पर टेंशन की बात करें, ये कुछ न कुछ जो भी घटना चक्र हुआ है ये पिछले समय में हुआ है। 9 मार्च 2019 से 7 अप्रैल 2019 तक जो टाइम पीरियड है वो चंद्रमा की दशा है, बृहस्पति का अंतर है और उसमें केतु का प्रत्यंतर है। केतु राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल करने का या लहर चलाने का बहुत बड़ा जिम्मा लेता है, और 6 मार्च 2019 को राहु केतु अपनी स्थिति बदल चुके हैं, अपनी राशि बदल चुके हैं। राहु मिथुन राशि में आ चुके हैं जो कि उनकी उच्च राशि है, केतु उच्च राशि में आ चुके हैं जो कि उनकी धनु राशि है। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय भी इस केतु ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11 अप्रैल 2019 को जब लोकसभा चुनाव आरंभ होंगे, 17वीं लोकसभा चुनाव आरंभ होंगे, तब सूर्य राशि से भाग्य भाव में होगा, बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ में स्वतंत्र भारत की कुंडली में अष्टम भाव में होंगे, केतु साथ में होगा। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव, नवम और दसम भाव तीनों एक साथ में होंगे अष्टम भाव में, तो यहाँ पर धर्म, यहाँ पर कर्म और यहाँ पर विवाद विवाद या ये बोल सकते हैं मारक भाव, इन तीनों का एक साथ में समावेश होगा। 2 तो ग्रह और साथ में केतु भी है। बृहस्पति और केतु या बृहस्पति और राहु जब भी युति होगी तो उस युति को चांडाल योग कहा जाता है। चांडाल योग का अर्थ क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दो जब मिलते हैं तब हमेशा पॉजिटिव को ही नुकसान झेलना पड़ता है, पॉजिटिव ही पीड़ित होता है, और तो यहाँ पर बृहस्पति पीड़ित होगा। बृहस्पति जो कि भारतवर्ष की कुंडली में लाभ का अधिपति भी है, यश का अधिपति भी है, लेकिन अष्टम भाव का अधिपति भी है, और मूल त्रिकोण राशि जो है वह धनु राशि है। 29 मार्च 2019 को बृहस्पति अपनी राशि को बदलते हुए अर्थात अतिचारी होते हुए धनु राशि में प्रवेश करते हैं, और मात्र 25 दिन की अवधि में वापस बैक टू पवेलियन अर्थात वृश्चिक राशि में चले जाते हैं। इतने थोड़े समय में ही बृहस्पति का अष्टम भाव में आना या पदार्पण होना बहुत कुछ कह जाता है, अर्थात ऐसे समय में धार्मिक विचार, धार्मिक घटना चक्र बहुत बलवान होंगे। जो भी वादे किए जाएंगे उनमें धर्म से संबंधित वादे भी होंगे, उनमें सोशल स्ट्रक्चर या ये बोल सकते हैं सामाजिक ताना बिना उसको बिगाड़ने के लिए भी बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन
एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि इस जन्म कुंडली में जो ये स्थिति है, दोनों ही ग्रह अतः 30 अप्रैल के लगभग बृहस्पति वक्री हो जाएगा, शनि भी वक्री हो जाएगा और बृहस्पति भी उस समय वक्री हो चुके होंगे। ऐसी स्थिति में दो ग्रहों का, एक पापी ग्रह है और एक बृहस्पति जो कि अष्टम भाव में है, यह ग्रह पापी होकर के मारक भाव में बैठ करके बहुत कुछ अघटित घटने की संभावना को जन्म देते हैं। अघटित का अर्थ यहाँ पर सिर्फ माहौल को बिगाड़ देने से है। लोकसभा चुनाव है, इतना बड़ा एक हमारा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अवसर है, तो इतने बड़े देश में जहाँ की 7 चरणों में चुनाव होते हैं, यहाँ पर असामाजिक तत्व भी होंगे, जो देश का हित नहीं चाहते वो भी होंगे, सब कुछ अपना कार्य करेंगे। लेकिन होगा क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में, भारत का भविष्य क्या होने वाला है, इस संदर्भ में बात मेरी अभी बाकी है। जब जब भी केतु का महत्वपूर्ण संदेश आता है या जन्म कुंडली के संदर्भ में केतु की बात आती है, तब आप देखिए कि हंग पार्लियामेंट अर्थात गठबंधन का जो सरकार होती है वो सरकार बनाती है या वो जन्म लेती है सरकार बनाने के लिए, देश चलाने के लिए। तो 2019 में वापस लोकसभा चुनाव का जो भी निर्णय आएगा वो हंग पार्लियामेंट की तरफ ही इशारा कर रहा है। राहु 6 मार्च को अपनी राशि बदल चुके हैं। राहु राशि बदल करके जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में आए हैं। सेकंड हाउस का अर्थ यहाँ पे धन से है, बुद्धि से, स्मरण शक्ति से है, लेकिन राशि से 12th हाउस में आए हैं। तो राशि से 12th हाउस में आना, राहु जैसे ग्रह का राशि से 12th हाउस में आना अर्थात राजनीति का निम्नतम स्तर पर पहुँच जाना है। आपको नेताओं की बातें, नेताओं के भाषण को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्तर तक या निचले स्तर तक देख पाएंगे, सुन पाएंगे। आपको खुद को, जो समाज है, जो कि चन्मा समाज का महत्वपूर्ण अंग है, समाज को नियंत्रित करने वाला ग्रह है, वह चन्मा है। चन्मा मन सो जाता, मन का अधिपति भी है। तो जो जनता है उसके मन का अधिपति चन्मा, उसकी दशा चल रही है और मारक भाव में है, तो जनता स्वयं दुविधा में रहेगी कि वो सही क्या है और गलत क्या है, क्या निर्णय करे, कौन सही है कौन गलत है, ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपने आप को सही समझने लगता है, हर कोई एक दूसरे की बात काटने को लगता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कि सूर्य उस समय लोकसभा चुनाव के समय दो बार अपनी राशि बदल चुके होंगे, अर्थात एक बार 15 अप्रैल को बदलेंगे तो दूसरी बार 15 मई को बदलेंगे, जिस दिन की चुनाव का आखिरी दिन है, अर्थात 7 चरण के चुनाव का आखिरी जो दिन है वो 15 मई है और 25 मई के आसपास ये फैसला आने वाला है। केतु की दशा या केतु का महत्वपूर्ण स्थिति अष्टम भाव में है, बृहस्पति, शनि और केतु इन तीनों के साथ में, इसलिए ये संकेत है कि कुछ न कुछ गठजोड़ होंगे, चाहे कोई भी सरकार महत्वपूर्ण स्थान पर आ जाए फिर भी गठबंधन के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। उसके आगे चले जाते हैं, या इस संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं और बोल देना चाहता हूं कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे तो 7 अप्रैल 2019 से 27 जून 2019 तक चन्मा की महादशा, उसमें बृहस्पति की अंतर्दशा और शुक्र की प्रतंत्र दशा होगी, तो निर्णायक माहौल देश की महिलाएं करेंगी। महिलाओं से संबंधित, देश की महिलाओं की संबंधित जो भी नीतियाँ, जो भी अच्छी बातें जो भी पार्टी करेगी वो इसमें अपनी पोजीशन को बलवान बना पाएगी, क्योंकि निर्णायक रूप महिलाओं का रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी इसी अवधि में आएगा और महत्वपूर्ण ज़्यादा घटना चक्र या ज़्यादा चुनाव का समय भी इसी माहौल में, इसी समय अवधि में रहने वाला है। तो सब मिला करके मैं ये कहूँगा कि जब तक चन्मा में बृहस्पति की अंतर्दशा है तब तक समय को बहुत सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के तो दो प्रधानमंत्रियों की जो हत्या हुई है उस समय कहीं न कहीं बृहस्पति, चन्मा और शुक्र का संबंध जरूर रहा है। चाहे इंदिरा गांधी की हत्या हुई हो, राजीव गांधी की हत्या हुई हो, माधवराव सिंधिया का एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हुई हो, उरी का घटनाचक्र हुआ हो, ये सभी घटनाचक्र में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र का रोल रहा है, चाहे वो दशा हो, अतंत दशा हो, प्रतंत्र दशा हो। माहौल कुछ भी हो,
कितना भी खराब हो, आप अपने आप को संभाल करके रखिए, आप पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि देश का भविष्य आप हैं और वोट देना आपका अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। आपको यह कर्तव्य इस बार निभाना है, तब आप सच्चे मायनों में एक सैनिक ही नहीं, देश का हर बच्चा सैनिक है जो कि देश की सेवा करना चाहता है, जो कि देश का भला चाहता है, और हम सभी चाहते हैं कि देश का भला हो, हमारे देश का नाम रोशन हो और हम विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर पाएं कि हम एक हैं और एक रहेंगे। मेरे इस एपिसोड का उद्देश्य किसी पार्टी को आगे बढ़ाना या किसी नेता का नाम लेकर के उसके बारे में अफवाह फैलाना या उसके बारे में अच्छा बोल करके उनका परचम फैलाना ये नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष को लेकर के है कि हम ज्योतिष के माध्यम से देखें कि 2019 में जब चुनाव होने वाले हैं उस समय स्थिति कैसी होने वाली है, कैसी रहने वाली है। तो घटना चक्र है, वो घटना चक्र मैंने आपको बतलाया है, अपनी बुद्धि से निर्णय लें, सोच समझ करके आगे बढ़ें, लेकिन अपने कर्तव्य का, अपने अधिकारों का पालन जरूर करें। नमस्कार।